बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि क्या एक्सचेंज रेट टारगेटिंग की पॉलिसी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल है या प्रॉब्लमेटिक है और उसके हमने फेवर में और उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट्स डिस्कस किए अब जो है वो हम यही डिजायरेबिलिटी का इशू एमरजिंग मार्केट इकोनॉमीज के लिए या डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए डिस्कस करते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज की डेफिनेशन तो आपको आपने कई कोर्सेज में पढ़ी होगी एमरजिंग मार्केट भी आप इसको डेवलपिंग इकोनॉमीज भी कह सकते हैं लेकिन जैसे कि पिछले एक लेक्चर में मैंने इसको डिफाइन भी किया था कि जिसमें अभी रिसेंटली इकॉनॉमी ओपन हुई हो यानी कि कैपिटल फ्लाइट हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो जिसकी लॉन्ग हिस्ट्री ना हो ओपन इकॉनॉमी की यानी कि अभी रिसेंटली हो या अभी हो रही हो तो उसको हम कहते हैं ये इमर्जिंग इकोनॉमी है तो इस केस में हम एक्सचेंज रेट टारगेटिंग की पॉलिसी को इवेल्यूएट करते हैं देखिए एक बात आपके जेन में रहे कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके मुकाबले में जो एमरजिंग कंट्रीज हैं या एमरजिंग मार्केट कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर पॉलिटिकल और मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस रिलेटिवली वीक होते हैं यानी कि वहां पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा होता है सेंट्रल बैंक्स के ऊपर और दूसरा चूंकि यहां अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है और इकोनॉमीज अभी ग्रोइंग फेज में होती हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले में इन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनकी पॉलिसी ज्यादा टाइम इनकंसिस्टेंट हो सकती है क्यों हो सकती हैं इसलिए कि चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है इकोनॉमी फ्रेजाइल ज्यादा होती है बार बार क्राइसिस आते हैं उन क्राइसिस में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म कम हो जाती है तो सेंट्रल बैंक ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए खत्म करने के लिए उससे बाहर निकलने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंशनरी बना सकते हैं अगर सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंशनरी बनाते हैं तो वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जरूर अचीव होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म जो प्राइस स्टेबिलिटी का गोल है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है तो इसका मतलब है इस तरह के टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम के होने के चांसेस डेवलपिंग या इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर ज्यादा होते तो इस केस में अच्छा फिर इसके साथ साथ यहां इन्फ्लेशन भी ज्यादा होता है इसी वजह से ज्यादा इन्फ्लेशन होता है मसलन आप हिस्ट्री में देखें कि जितने भी हाइपर इंफ्लेशन आए वो ज्यादातर जो है वो डेवलपिंग इकानीज के अंदर आए बहुत कम आपको डिवेलप्ड इकानमीज मिलेंगे जिनके अंदर हाइपर इन्फ्लेशन आया हा ऐसी एग्जाम्पल जरूर मौजूद हैं कि डेवलप्ड इकानीज के अंदर भी हाइपर इन्फ्लेशन हा आया हाइपर इन्फ्लेशन से मुराद ये है कि बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड के साथ इन्फ्लेशन और उसका मतलब कि जैसे पाकिस्तान में अभी 2023 के अंदर आ, तकरीबन 30 परसेंट के करीब इन्फ्लेशन हुआ ये इस किस्म के इन्फ्लेशन की बात नहीं है जब हाइपर इन्फ्लेशन की बात हम करते हैं तो यह सेवरल हंड्रेड या सेवरल थाउजेंड परसेंट इन्फ्लेशन हो सकता है तो इस किस्म की एग्जाम्पल्स भी ज्यादा इमरजिंग या डेवलपिंग इकानीज की मौजूद हैं अब अगर सेंट्रल बैंक की जो है टाइम इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम ज्यादा हो मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर क्यों क्योंकि पॉलिटिकल और मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन वीक हो और इन्फ्लेशन ऑन एवरेज ज्यादा हो और हाइपर इन्फ्लेशन का रिस्क भी हो तो फिर तो एक्सचेंज रेट टारगेटिंग पॉलिसी ऐसी कंट्रीज के लिए बड़ी सूटेबल पॉलिसी है क्यों इसलिए कि एक्सचेंज रेट अगर आप फिक्स कर सकते हैं इट विल एंकर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन ये इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन को एंकर करता है इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन मैनेज होती हैं और इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है दूसरा जो टाइम इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है वो भी इससे सॉल्व हो जाता है तो जो पॉलिटिकल प्रेशर सेंट्रल बैंक्स के ऊपर है तो सेंट्रल बैंक्स उसको अवॉइड कर सकते हैं किस तरीके से अगर वो एक्सचेंज रेट टारगेटिंग की पॉलिसी अडॉप्ट कर लें तो इसका मतलब ये तो बड़ी बेनिफिशियल हो गई इसी तरीके से जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द स्टेबिलाईजेशन पॉलिसी ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर डेवलपिंग आर इमर्जिंग इकानमी क्या मतलब मतलब यह है कि जहां कोई और पॉलिसी काम ना करे तो यह लास्ट ऑप्शन के तौर पे होती है एक्सचेंज रेट स्टेबल एक्सचेंज रेट टारगेटिंग पॉलिसी मसलन इन्फ्लेशन टारगेटिंग की पॉलिसी डेवलपिंग कंट्रीज के ऐसे प्री रेकड जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटी के सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी हैं अमूमन डेवलपिंग कंट्रीज वो लैक करते हैं ट्रांसपेरेंसी के प्रॉब्लम होते हैं अकाउंटेबिलिटी के प्रॉब्लम होते हैं सेंट्रल बैंक की अटानोमी के प्रॉब्लम होते हैं पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा होता है इस किस्म के प्रॉब्लम्स में जो लास्ट रिजल्ट के तौर पे इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पॉलिसी हो सकती है डेवलपिंग इकोनॉमीज के पास वो एक्सचेंज रेट टारगेटिंग पॉलिसी इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट टारगेटिंग पॉलिसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन हाँ ये याद रखिएगा कि इसके अपने और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं इस वक्त हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि एक्सचेंज रेट फिक्स हो तो ज्यादा बेनिफिशियल है या फ्लेक्सिबल हो तो ज्यादा बेनिफिशियल है इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि पॉलिसी में अगर सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के ऊपर फोकस करे तो यह मॉनिट्री पॉलिसी के टारगेट्स को अचीव करने में ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है ऐसे इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए जिसमें पॉलिटिकल और मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस वीक हो ठीक है इसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम होता है यहां पे ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम ये है जो मॉनिटरी पॉलिसी डिसीजन लेती है और जिस वजह से लेती है वो लोगों को या इकोनॉमिक एजेंट्स को या बिजनेसेस को पता नहीं होता उससे एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है और उससे फिर डिजास्टर इफेक्ट आते हैं तो याद रखें अगर एक्सचेंज रेट टारगेटिंग पॉलिसी डेवलपिंग या इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए हेल्पफुल है या बेनिफिशियल है तो जरूरी है कि ये भी ट्रांसपेरेंट हो ये लास्ट रिजॉर्ट की पॉलिसी जरूर है लेकिन अगर इवन एक्सचेंज रेट टारगेटिंग की पॉलिसी भी ट्रांसपेरेंट ना हो यानी कि फॉर एग्जांपल हमें यही ना पता हो कि सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट को किस लेवल पे मेंटेन करना चाहता है तो फिर इससे भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी और इसके भी बेनिफिशियल इंपैक्ट नहीं आएंगे बल्कि इसका लॉस ज्यादा होगा तो याद रखें एक्सचेंज रेट पॉलिसी बेनिफिशियल है किसके लिए एक्सचेंज रेट टारगेटिंग पॉलिसी डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए बट ओनली इफ इट इज ट्रांसपेरेंट थैंक यू